साथियों, डॉक्टर रितु सिंह जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और रितु सिंह जी के वक्तव्य के बाद पता चला कि 33वां दिन चल रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, हमारे समाज में कमियां हैं, कुछ व्यवस्था में कमियां हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ न्याय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे समर्थन में, जो भारत का मौलिक कानून है, फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो हम लोगों के समर्थन में है। इसके बावजूद भी हमारे साथ न्याय नहीं होता। दूसरे देशों के मुकाबले में ये परिस्थिति थोड़ी विपरीत है। लॉ ऑफ द लैंड अगर आपके समर्थन में यूरोप में है तो फिर वो हर हालत में उस पर अमल होता है, मगर इंडिया में लॉ ऑफ द लैंड हमारे समर्थन में है मगर उस पर अमल नहीं होता, ये बड़ी समस्या है। तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि लॉ ऑफ द लैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे समर्थन में है तो वो अमल क्यों नहीं होता, वो धरातल पर जमीन पर क्यों नहीं उतरता, ये बड़ी समस्या है। तो उसके कारणों के बारे में भी हम पढ़े लिखे लोगों को निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उस हालात में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड तो एक किताब है, उस पर अमल करने वाली जो व्यवस्था है अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट, और सेंटर में कोई ऐसी सरकार 26 जनवरी 1950 के बाद जब से चुनाव हुआ तब से अब तक कोई भी सेंटर में ऐसी सरकार नहीं बनी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर बनी हो। 131% लोगों के समर्थन से जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, आप वेरीफाई कर लेना, कोई भी सरकार नहीं बनी। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनकी भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें 77 सीटें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, 77। अगर 303 में से 77 सीटें माइनस कर दो तो सरकार अल्पमत में आती है। मुझे नहीं लगता है कि 77 में से
या 131 में से आपके संघर्ष में भेंट करने के लिए कोई आया होगा, मुझे तो सिंह जी का कहना है कि कोई नहीं आया। जो मैं कह रहा हूं वो और ज्यादा उसके दायित्व करता है, समर्थन करता है कि 131 जो मेंबर पार्लियामेंट है जिसके समर्थन के बगैर आज तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी। तो वो रिप्रेजेंटेटिव यदि हमारे होते वो हमारे नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है और इसीलिए ये लड़ाई वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकर गए थे और तमाम अंग्रेज लोगों के सामने अपने केस को उन्होंने प्रकट किया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वहां के लोगों ने, वहां के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने जो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ 17 अगस्त 1932 को, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को स्वीकार किया गया कि यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट एलोटमेंट नहीं दिया जाता तो इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। इस मौलिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन के बगैर हो नहीं सकती। दुनिया में कहीं पर भी कोई डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन के बगैर नहीं हो सकती। तो ये जो बात है बाबा साहब अम्बेडकर की, इस बात को स्वीकार किया गया। जब ये बात स्वीकार की गई तो उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के बाद गांधी जी ने अपना प्राण निछावर करने का ऐलान किया कि यदि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो अधिकार दिए गए हैं ये अगर अंग्रेज सरकार पीछे नहीं लेती है तो मैं जान की बाजी लगाता हूं। अंग्रेजों ने घोषित किया कि हमने अवार्ड कर दिए हैं, अभी हमारे नियंत्रण के नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर अगर ये बात मान लेते हैं हमें कोई दर्द, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी ने इस आमरण अनशन को किया और हमारे लोगों पर जबरदस्ती से ज्वाइंट डायरेक्टरेट थोपा। जो 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टरेट, हमारे हाईकोर्टों के वकीलों को भी आज तक ये समझ में नहीं आता। दुख के साथ हमारे प्राचार्य जी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मैं ऐसे बहुत हाईकोर्टों के वकीलों को जानता हूं जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आती। मैंने किसी वकील को, सुप्रीम कोर्ट के या हाईकोर्ट के वकीलों को, ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को समाप्त करने वाला मामला है, किसी को बोलते हुए मैंने, किसी को कहते हुए मैंने नहीं देखा, बल्कि उसको वो एंजॉय करते हुए जरूर मैंने देखा। उस जॉइंट इलेक्टोरेट को जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है, ये जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है,
मैं एक लीगल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये बात समझने में दिक्कत आती है, ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किए हुए, इसको उन्होंने कहा ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, और आगे कहा दोज हू नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है एंड दोज हू नॉमिनेटेड, जो इसको नॉमिनेट करते हैं ये उनके प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि नहीं है। रितु सिंह के आंदोलन में यहां भेंट करने तक के लिए नहीं आए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मैं थोड़ा पुराने सबूत देने के बजाय जिंदा सबूत अभी आप लोगों के सामने देना चाहता था ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। इस विषय पर मेरे अलावा कोई बोलता ही नहीं भारत पर, बल्कि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। मतलब उसके लिए कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, बीजेपी से टिकट मांगते हैं, फिर उस टिकट पर चुनाव जीतते हैं, फिर जीत करके पार्लियामेंट में जाते हैं और 5 साल कर्म पूरी करते हैं। अगर उन्होंने मिनिस्टर बनाया तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं। वो एंजॉय करते हैं। मगर उस एंजॉय की वजह से हजारों लाखों एससी एसटी के जो बच्चे महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं देशभर में, उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी और अन्याय होता है जाति के आधार पर। उसका रूप बहुत ये है, यदि पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट हम लोग थोड़ी कल्पना कर रहे हैं, रियलिटी है नहीं ऐसा, कल्पना करते हैं कि यदि ये ज्वाइंट टोलोक्ट्रेट नहीं होता और ये सेपरेट टोलोक्ट्रेट होता, ज्वाइंट टोलोक्ट्रेट नहीं होता सेपरेट टोलोक्ट्रेट होता, तो आजाद भारत की कोई भी सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर ही नहीं बनती। मैं थोड़ा आपको कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं, है नहीं ये रियलिटी। अगर यदि ए सेपरेट इलेक्ट्रेट ही होता तो सेंट्रल की कोई भी गवर्नमेंट 1952 से ऑनवर्ड कोई भी सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर बनती ही नहीं। तो आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी पावर हमारे लोगों के नियंत्रण में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम हमारे सपोर्ट से बात करें, और अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग वही चांसलर भी नॉमिनेट कर देते। आप समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर आपके दिमाग में किसी प्रकार का सोचने के लिए मैं मौका नहीं देना चाहता। मैं वो भी बता देना चाहता हूं कि फिर हम लोग वाइस चांसलर भी नॉमिनेट करते हैं, हम लोग उन कमेटियों को भी नॉमिनेट करते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हाईली एजुकेटेड लोगों को लेक्चरर और प्रोफेसर बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो कमेटियां भी हम बनाते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट को ज्वाइंट इलेक्ट्रेट में गांधी जी के द्वारा कन्वर्ट किया गया और जबरदस्ती से किया गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ड गांधी एंड कांग्रेस ऑफ अनटचेबल्स एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स नाम का जो किताब उन्होंने लिखा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मैं काल कर पाता हूं बात नहीं कर रहा हूं, ये उन्होंने ही लिख के रखा हुआ है
कि ये जो आजाद भारत में हमारे लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका रूट कॉज वहां है। उससे आगे वाली बात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशनल रिजर्वेशन और सर्विसेज का रिजर्वेशन, और तीसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है। और सर्विसेज का रिजर्वेशन तीसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो ये जो एजुकेशन का रिजर्वेशन है और सर्विसेज का रिजर्वेशन है, इसके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग सारे देश भर में हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, सारे देश भर में लड़ाई लड़ते हैं, हर प्रदेश में हर जगह लड़ाई लड़ते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाए, इसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कौन से लोगों ने आंदोलन किया, उनके कोई नाम आपको याद है, कोई बता सकता है? बहुत माइक्रो बात आपको बता रहा है, कोई भी बताने वाला नहीं है, लेकिन बता रहा है। शेड्यूल कास्ट के एजुकेशनल रिजर्वेशन, सर्विसेज का रिजर्वेशन, इसके लिए सारे देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आंदोलन करते हैं, मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, किया जाए, इसके लिए हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कौन से संगठनों ने आंदोलन किया, कौन से लोगों ने आंदोलन किया, ऐसा कोई आप लोग बता सकते हैं? है कोई नाम आप लोगों के नोटिस में, आपके रिकॉर्ड में? मेरे पास है कोई नहीं। एससी एसटी के एजुकेशनल रिजर्वेशन के लिए, सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करने वाले लोग, कोई भी लोग एससी एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन को और आगे 10 साल के लिए एक्सटेंशन किया जाए, इसके लिए आजाद भारत में एक भी आंदोलन नहीं हुआ, तो हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड क्यों किया जाता है? जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए रितु आंदोलन कर रही है, जिसके अन्याय के विरोध में वो लड़ रही है, ऐसे सारे देश भर में लड़ रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग न्याय नहीं कर रहे, अभी न्याय नहीं कर रहे, बाकी लेन देन निकल गए, क्या भी न्याय नहीं कर रहे हैं। मगर जिसके लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जिसके लिए भारत में कोई एससी एसटी का आदमी आंदोलन ही नहीं कर रहा है, वो और 10 साल के लिए उसको एक्सटेंशन किया जाता है। हमारी मांग नहीं है, हमारे समाज की मांग नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए होता है, एजुकेशनल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, कितने लोगों को पता है कि ये नहीं है? सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, कितने लोगों को पता है कि ये 10 साल के लिए नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को पढ़ो, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्राची जी के सामने बोल रहा हूं, मैं भी ये सारी बातें बहुत बारीकी से जानता हूं। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के आर्टिकल है उसे आप देखो, पढ़ो, यहां से जाने के बाद पढ़ लेना, उसमें केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल के एक्सटेंशन की प्रावधान है, सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए और एजुकेशन के रिजर्वेशन के लिए कहीं पर भी कोई 10 साल का फाइंडिंग नहीं है।
केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल का बंधन है और हर 10 साल बाद उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, फिर पास किया जाता है। हमारे किसी भी व्यक्ति की डिमांड नहीं है, हमारे किसी समूह की डिमांड नहीं है। और इसमें विशेष बात, इसमें कांग्रेस के लोग एक्सटेंशन करते हैं, केवल कांग्रेस के ही लोग एक्सटेंशन करते हैं, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक्सटेंशन करते हैं। महामना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में तारीख के साथ पर बोलते थे, 2001 में क्योंकि 2004 तक वो प्रधानमंत्री दौरदार, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, केवल कांग्रेस के लोगों ने ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पास किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल के लिए इस कानून को पास किया। बदे तो नहीं ना, कांग्रेस के लोग तो बिल्कुल गधे नहीं है, बीजेपी के लोग, हमारे लोग बीजेपी लोगों के बारे में ज्यादा संवेदनशील है, नहीं, ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है, कितना अंतर है, एक आपके खिलाफ प्रचंड हमला करते हैं और एक खुलकर हमला करते हैं, इतना फर्क है, एक छुपकर हमला करते हैं और एक खुलकर हमला करते हैं, इतना ही फर्क है। इसके बावजूद भी दोनों मिलकर कंसेंसस है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया जाना चाहिए, कि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से भारतीय जनता पार्टी को और पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन को नॉमिनेट करने का अधिकार कांग्रेस को और बीजेपी को मिलता है। कितने लोगों को बात समझ आती है, कल 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, बिल पास हो गया, कांग्रेस ने बाहर SC ST OBC के महिलाओं को रिजर्वेशन देने की मांग की, मगर पार्लियामेंट में उन्होंने उस कानून को पास किया बगैर रिजर्वेशन पास किया, क्यों, क्योंकि कांग्रेस ऐसा सोचती है कि जैसे बीजेपी को महिलाओं को नॉमिनेट करने का अधिकार मिलेगा वैसे हम कांग्रेस को भी मिलेगा, जैसे बीजेपी को महिलाओं को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा तो हमें कांग्रेस वालों को भी महिलाओं को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा, एंड दोज हु जिनको नॉमिनेट करने का अधिकार होता है वो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जिस समाज के लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वो उनके प्रतिनिधि नहीं होते हैं, अगर होते तो रितु के साथ मेरे आने के पहले खड़े होते, रितु के साथ मेरे आने के पहले खड़े हो जाते, 33 दिन हो गए, तो वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए, रितु के साथ जो हुआ वो और लाखों विद्यार्थियों के साथ पहले हुआ, आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम में हमारे इस देश के डेमोक्रेसी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है, और जिनको डेमोक्रेसी में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं होता है उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है। पता नहीं आप मेरी बात कितना समझते हैं, ये आपके समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि सारी बातें तो मैं कम समय में नहीं बता सकता। जिनको डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं हो सकती,
डेमोक्रेसी फंक्शनल डेमोक्रेसी में रूपांतरित होती है, वो रिप्रेजेंटेशन से होती है। डेमोक्रेसी कोई केवल आइडिया थोड़ी है, एक कल्पना थोड़ी है, एक जीवन प्रणाली है। और उस जीवन प्रणाली में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको कौन पूछे? कोई पूछने वाला नहीं। पार्लियामेंट में तमाम ऐसे कानून पास किए जाते हैं, शुरू का शुरू टाइम के एमपी को कोई पार्टी वाले करते ही नहीं। कभी कभी सुल्तान सुरू टाइप के एमपी पार्लियामेंट में बोलते हैं, वो पार्टी वाले उनको जो लिख कर देते हैं वो पार्लियामेंट में भाषण कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ आपको ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये जो तकलीफ हो रही है ऋतु को, पता नहीं ऋतु को जितनी तकलीफ हो रही है मुझे थोड़ा ज्यादा ही हो रही है, मुझे अंदर से ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं आवाज इसलिए मैं ज्यादा मेरी लॉजिक में या बोलने में उग्रता आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है अंदर से। उस तकलीफ की वजह से मुझे ये बात बोलना पड़ता है। तो मैं ये जो परिस्थिति है इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें लगना। ये तो दुख वाली कहानी आपको बताए, तो हम लोग सारी कई बोलते रहे केवल ये बोलते रहने से तो नहीं बनेगा, इस दुखड़े के हालात को बदलना होगा। और बदलने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग करना होगा, और कोई उपाय तो है नहीं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 केवल अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है और तमाम मौलिक अधिकार है संविधान में। मगर संगठित शक्ति के बगैर दूसरे मौलिक अधिकार केवल कागजी अधिकार। अगर संगठन आपके पास है तो दूसरे मौलिक अधिकारों में प्राण लाया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 19 तमाम मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, जिसके तहत हम लोग प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, अपने विचारधारा के आधार पर संगठन का निर्माण कर सकते हैं और उसके आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण कर सकते हैं और उस संगठित शक्ति का उपयोग परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग बदलाव करने के लिए भी लगे हुए हैं, केवल दुखड़ा रोने का, केवल रोते ही रहने का, ये तो कोई उपाय नहीं है। अगर मान लो समस्या का समाधान रोने से हो जाता तो मैं लाउड स्पीकर लगाकर चौराहे पर ज्यादा जोर से रोता, इसलिए रोता समाधान हो जाता। भाई थोड़ा सा ज्यादा जोर से रोऊंगा तो समाधान हो जाएगा, पर रोने से समाधान होता नहीं। इसलिए संगठित शक्ति के बल पर बदलाव करना होगा। तो इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। मैं केवल आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अपने लिए भी लागू कर रहा हूं, मैं उस काम में लगा हुआ हूं और उस काम की दिशा में मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि ये मंच उसके लिए आप लोगों का नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता। उसके लिए हमारे पास तमाम मंच है और 26 नवंबर को बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हम लोग दिल्ली में करेंगे। हो सकता है 4-5 लाख लोग ऑल इंडिया के इकट्ठा हो जाए, तो हमारे पास जो संगठित शक्ति है उसका हम उपयोग करें। ऋतु के समर्थन के लिए भी हम इस संगठन शक्ति का उपयोग करेंगे। अगर आप लोगों को, मैंने राजा साहब को पूछा कि दौलत राम कॉलेज कितना दूर है यहां से,
यहाँ क्यों बैठे? घर जाना चाहिए, उधर होना चाहिए। अल्लाह बोला उनको भी थोड़ा मालूम है कि जल्द यहां तक भी पहुंच सकते हैं मामला, तो उनको भी थोड़ा सा समस्या पैदा होना चाहिए। तो अगर आप लोग दौलत राम कॉलेज के ऊपर कोई मोर्चा लेकर जाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर लें। मैं आप लोगों को जो जन समर्थन की लागत चाहिए तो उसके लिए मैं आपको ज्यादा समर्थन, ज्यादा लोग जो है आपको राजा साहब को भी तो वाइस चांसलर, चलो ठीक है, राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो कहते हैं कि वीसी पर ही जाना चाहिए, चलो वीसी पर, तो वो लीगल दृष्टि से सोच रहे हैं कि वीसी के पांच जो पावर है उधर जाने की क्या जरूरत है। मैं कानूनी रूप से नहीं सोच रहा हूं, मैं थोड़ा दूसरे संस्थित रूप से सोच रहा हूं। जो राजा साहब सोच रहे वो कानूनी रूप से सोच रहे हैं कि वीसी के पास जाना, वो उनको बराबर है, मगर मैं थोड़ा संगठन का आदमी वो दिन नहीं हूं, तो मैं उसका थोड़ा उधर जाऊंगा, उनको थोड़ा सा लोग इधर भी आ सकते, इधर अंदर भी घुस सकते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा लगना चाहिए। तो ऐसा कोई कार्यक्रम अगर बनाना चाहो भविष्य में, तो मैं तो मतलब गवर्नमेंट के कोई इंटेलिजेंस वाले लोग होंगे ना, तो मैं उनको तो रिकॉर्ड करो जो मैं कह रहा हूं, मैं छुपकर कोई बात नहीं कहता हूं, मैं आईबी वाईबी लोग जो है उनसे छुपकर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इसको आप रिकॉर्ड कर लो, या रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ही दे देता हूं उनको, क्योंकि मुझे संविधान के अनुसार अधिकार मिला हुआ है, कानून के दायरे में रहकर मेरे पास अधिकार है, उतना ही अधिकार का मैं उपयोग और प्रयोग करके रीतु को मैं समर्थन देना चाहता हूं, और रीतु के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ जाऊंगा। मतलब जैसे लोग आते हैं और एक लिप सिंपति बोल करके, मैं इस तरह से काम करने का आदी नहीं हूं, लिप सिंपति, तो मैं उसके साथ में जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता उसके साथ मैं मेरा समर्थन रहेगा, वो जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं उसके मदद के लिए रहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये हमारी समस्या है, उसकी अकेले की समस्या, धन्यवाद।